मैं भावनगर में ही पैदा हुआ और वहीं बड़ा हुआ था 16 साल तक, और उसके बाद बड़ौदा आ गया हूँ, तो आज तक यहीं फंसा हुआ हूँ। पूर्वज तो मैं दो पीढ़ी तक ही जानता हूँ, पिताजी को जानता, उनके पिता और उनके पिता छोटा था तब ही उनका अवसान हो गया, इसलिए मुझे किसी को देखा हुआ वो याद नहीं है। हालांकि उन्होंने मुझे देखा होगा जरूर, मेरा दादा और बड़े दादा, मतलब दादा के पिताजी, दोनों भावनगर स्टेट में पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे। हमारी जो फैमिली सरनेम है वो भट्ट है, तो लगता है कि ये काफ़ी पुरानी सरनेम है हमारे वहाँ, कोई 2-3 हज़ार वर्ष पुरानी तो होगी ही। मुझे लगता है कि हमारा जो कुटुंब परंपरा है वो काफ़ी पुरानी होनी चाहिए। हालांकि गुजरात में भट्ट का एक मतलब ये भी होता है कि रसोई करने वाला, नो बटलर। हम लोग ब्राह्मण परंपरा में भी हमें उदिच्य या उदिच कहा जाता है, उसका लिटरल मीनिंग होता है कि उत्तर से आए हुए। भावनगर एक शहर है, उसके आजू बाजू सब उदिच्य लोग बसे हुए हैं काफ़ी, और मैं उसमें से हूँ। तो हमने सुना है, मेरी माँ कहती थी कि एक जमाने में हमें लोग बुम्बली के भट्ट ऐसे बोलते थे। मुझे अच्छी शाला में जाने का मौका बचपन से ही मिला। उस जमाने में मेरी शाला एक ही भावनगर में थी जहाँ सहशिक्षण था, मतलब लड़के या लड़की ऐसा दो अलग विभाग नहीं थे, साथ साथ सब पढ़ते थे। संगीत, चित्रकला, नृत्य, नाट्य, ये सब भी उसी स्तर से शुरू किया गया था। तो मुझे थोड़ा आर्ट में इंटरेस्ट, चित्रकला में इंटरेस्ट बढ़ गया, और उसकी वजह से शायद दूसरे विषय में मेरा अटेंशन कम होता गया। उस जमाने में 11th स्टैंडर्ड वो लास्ट होता था और मेट्रिकुलेशन बोलते थे। मैं शांतिनिकेतन जाने का सोच रहा था, तब मुझे पता चला कि बड़ौदा में ही एक अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छी आर्ट्स कॉलेज बन रही है नई, तो फिर मैं यहाँ चला आया। हमारे घर में मेरे पिताजी ने पुलिस परंपरा को जरा बदल दिया, उनका स्वभाव तो ऐसा ही था पुलिस ऑफिसर जैसा, मगर वो 1942 के मूवमेंट में काफ़ी एक्टिव थे और वो एक फैक्ट्री में काम करते थे, तो बॉम्ब वगैरह बनाने का घर में करते थे ऐसा सुना है मैंने। मैं उस वक्त 7-8 साल का था और शाला में गया था, तब पुलिस लोग आए थे, घर को सब इधर उधर उल्टा सीधा करके देख गए, मगर ये लोग भी काफ़ी सचेत थे पहले से ही, कि उनको पता चल गया था कि ये आने वाला है। तो और जो कुछ था वो मेरी माँ ने अनाज के डिब्बे के अंदर डाल दिया, तो पुलिस को कुछ हाथ में आया नहीं ऐसा सुना है। 42 के बाद मैं काफ़ी अवेयर था क्या हो रहा है क्या नहीं। इतिहास में भी मुझे पता था कि नो एक पंडित सुखदेव जी थे, कहा जाता है कि वो प्रज्ञा चक्षु थे, मगर उसने एक भारत में अंग्रेजी राज उस नाम की एक बड़ी किताब लिखी थी, तो मैं बचपन में भी वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अंग्रेजों ने हमारे वहाँ क्या क्या जुल्म किया है या अपने फायदे के लिए हमारा देश की हालत क्या कर दी, नो गुलामी प्रथा कैसे करी, और कोई इतिहास में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। उस वक्त हमें अलग अलग ढंग से नो मुस्लिम समय, मराठा समय, अंग्रेज समय, प्राचीन समय, मध्यकालीन ऐसे डिवाइड करके करता था, मगर मुझे ये अंग्रेज वालों बातों में ही थोड़ा इंटरेस्ट होता था। और मेरे पिताजी की संस्था में काफ़ी ऐसी प्रवृत्ति होती थी जो एक ढंग से एंटी ब्रिटिश कह सकते हैं, जागरण जिसे कह सकते हैं, कि लोगों में जागृति लाने की, तो इसलिए नाटक, गाना, वो स्ट्रीट प्ले का एक प्रसंग याद है। मेरे पिताजी और 3-4 उनके साथी लोग साथ में काम कर रहे थे, और एक दफ़े सडनली जो मेन पर्सन था वो नहीं आ सका, और जाना तो था ही, तो मेरे पिताजी ने मुझे साइकिल पर बिठा दिया। मैं शायद 9-10 साल का था, और जो रोल करना था उसमें मुझे पिताजी बना दिया,
और वो मेरे बेटे बन गए हैं। मतलब मैं 10 साल का पिताजी और मेरे पिताजी मेरे 36-37 ईयर्स के, वो मेरे बेटे बना। और मैं बोलता बेटा ऐसा मत करो, और वो बोलता पिताजी माफ़ करो, ऐसा कुछ डायलॉग करना पड़ा था। गांधी जी, जवाहरलाल, सुभाष बाबू, वल्लभ भाई, ये चार मेन, और गांधी जी की वजह से कस्तूरबा के भी नाम जानते थे, और फिर सरोजिनी नायडू, किशोरलाल मशरूवाला, प्यारेलाल जी जो उनके सेक्रेटरी वगैरह रहे थे, ऐसे। और स्कॉलरशिप होते थे जी, कंपटीशन होता था। इटली में इंडियन गवर्नमेंट और इटालियन गवर्नमेंट का एक कल्चरल एक्सचेंज होता था कि इटली जाने के लिए इटालियन गवर्नमेंट हमें स्कॉलरशिप देंगी, और वहाँ से जो इटालियन इंडिया में आएंगे उनको भारत सरकार स्कॉलरशिप देंगी, ताकि एक और एक इक्वल करने का जरूर ना पड़े। हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जो ज़रूरी है इतना पैसा उनको यहाँ से देंगे, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो मिनिमम जरूर है वो लोग करेंगे। तो दोनों तरफ, दोनों दफ़े ऐसे ही गया। फ्रीडम टू थिंक तो कोई मना कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम कुछ भी मन में सोच सकते हैं, मगर एक्सप्रेस करने की उस वक्त जो सुविधा थी कि लोग कहते थे कि ये ठीक नहीं लगता है हमें, मगर झगड़ते नहीं थे, ये नहीं कहते थे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, ये तो हमारा देश के विरोध है, आप राष्ट्रद्रोही है, ऐसी बात कभी हो ही नहीं सकती थी। जो अब होने लगी है वो मुझे बहुत ही दुख होता है कि ये जो परिवर्तन है उसकी वजह से हमारी 4-5 हज़ार साल पुरानी जो कला परंपरा है, जिसकी वजह से ही भारत दुनिया में, हमारी कला और हमारी फिलसफी, कला में मैं संगीत नृत्य सब शामिल करता हूँ, वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अब लोग डरते हैं, मुझे अगर कुछ करना है तो सोचना पड़ेगा कि मुझे 5 लोग पूछने आएंगे, अगर मैं फिर भी खड़ा रहा तो कोई मोटरसाइकिल पर आके मुझे गोली भी मार सकता है ना। ये हाल अब मुझे डराने लगी है। पहले मुझे लगता है कि मैं काफ़ी डरपोक नहीं था, ऐसा मानता था, मगर अब शिवर होता है ना आइडिया से ही कि अगर हमारी ये हाल हो रही है जो जाने वाले हैं, तो आने वाले लोगों को तो, और एक दफ़े आप जो बार बार बताते हैं, आपने बताया ना परंपरा और आशीर्वाद की बात कि एक दफ़े चली जाएगी फिर कभी वापस नहीं आएगी, और इसलिए हमारे देश से काफ़ी लोग जो बाहर जाते हैं वो वापस नहीं आते हैं ना, उसके लिए 4 दिन वेस्ट करना तो एक सम्मान है, वो सम्मानजनक नहीं लगा, क्योंकि मैं पहले देखा था 1-2 साल पहले किसी और को मिलते हुए, थोड़ा डर था, मगर ईश्वर की शुभेच्छा के मैं बीमार ही था तो मैं जा नहीं सका। वो लोग बहुत अच्छे थे कि यहाँ घर आके दे जाने की व्यवस्था की। हमारे बड़ौदा के ही कलेक्टर साहब खुद, मिसिस अग्रवाल, शालिनी अग्रवाल खुद आई और बहुत ठीक ढंग से खर्च बचाया, क्योंकि यार 4 दिन का अशोक होटल में रहने का खर्चा, 4 दिन के लिए टैक्सी, मेरे साथ 2 आदमी ले जाने की और अरेंजमेंट, वो सब का खर्च गवर्नमेंट को मेरे लिए करना पड़ता था, वो बचाया। तो मैंने और तो कुछ नहीं किया गवर्नमेंट के लिए, मगर कम से कम ये खर्च बचा दिया तो ऐसा अच्छा भी लगता है। 57 में एक एग्जीबिशन लेकर मैं बम्बई गया था, तो हमारे एक पहचान वाले थे, वो एग्जीबिशन देखने आए थे, और उनके साथ मेरी भावी बीबी वो भी थी, तो उसने मुझे वो एग्जीबिशन के टाइम देखा था, ऐसा वो बताती थी बाद में, मुझे पता नहीं था, मगर बाद में वो बड़ौदा ही पढ़ने आई थी, वो भी आर्टिस्ट थी, जे स्कूल में 1 साल किया था, फिर वो छोड़ के बड़ौदा आ गई, यहाँ पहचान हो गई। हालांकि जिस तरह से फिल्म में देखते हैं या एक्चुअल लाइफ में देखते हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। 6-7 साल के बाद शादी करने का डिसाइड किया, वो लोग ने फैमिली में से आए कि हम शादी करना चाहते हैं, और मैंने हाँ कहा और शादी हो गई। मैं वो स्कॉलरशिप मिली तो चला गया यूएसए,
फिर एक साल के बाद दूसरी स्कॉलरशिप मिली, तो इन बिटवीन वो यूएसए आई कि हम थोड़ा घूम सके, देख सके, तो फिर शादी भी वहीं कर ली। अब फिर हमारी एक बेटी है, आर्टिस्ट है, बम्बई में रहती है, और उनका एक बेटा है। ये कोविड 19 किसने सोचा था, तो इसी तरह से भावी पीढ़ी को बस यही सीखना है कि जो परिस्थिति है उसके सामने उसमें से रास्ता निकाल के और अपना जो कुछ दिए जरूरी लगे उसके पीछे लगे रहे।